So guys, ये है Samsung Galaxy Fold 4 एंड ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है। अब इतना महंगा फोन है तो डेफिनेटली फास्ट तो होना ही चाहिए, वही तो आज हम जानने वाले हैं कि भाई कितना फास्ट है, क्योंकि ये जो सेम चिपसेट है ये हमको इस iQOO 9T के अंदर देखने को मिल जाती है। ये iQOO 9T भाई 50,000 रुपए मिलता है, ये 1.5 लाख रुपए का है, 1.5 लाख से भी ज्यादा महंगा है, ऑलमोस्ट 3 गुना महंगा है ये फोन इस फोन से। सो 3 गुना की परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, मतलब सेम चिपसेट है तो क्या ही परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा, लेकिन भाई ये जो 3 गुना सस्ता फोन है iQOO का, क्या ये इसको हरा पाएगा या नहीं, सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सही व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं ज़हीर एंड दिस इज अ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन फोल्ड 4 वर्सेस iQOO 9T। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये है वो दोनों फोन। एक फोल्ड 4 खरीदने के लिए ना आपको 3 iQOO 9T का पैसा लगेगा, इतना ज्यादा महंगा है ये फोल्ड 4। तो महंगा होने के साथ साथ अगर ये फास्ट ना हो तो क्या पॉइंट बनता है, समझ में आ रहा है? तो अभी दोनों के अंदर सेम टू सेम चिपसेट है, रैम में डिफरेंस, इसमें 12 GB रैम है, इसमें 8 GB रैम है, मतलब इसमें भी 12 GB रैम वाला आता है, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है ये 8 GB रैम वाला है। साइड बाय साइड रखते हैं एंड लेट्स सी भाई। देखो इसके अंदर बहुत सारा डिस्प्ले, एक डिस्प्ले इधर है, एक बड़ा सा डिस्प्ले इधर है, तो हम मेन डिस्प्ले में ही मेन कंपैरिजन अपना करने वाले हैं। लेट्स सी भाई कौन सा फोन यहां पर जीतता है। एंड यहां पर मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी चीजें सिमिलर हो, रैम के अलावा। रैम यहां पर सिमिलर नहीं हो सकती बिकॉज ये जो मेरा फोल्ड है इसके अंदर रैम थोड़ी सी ज्यादा है और इसके अंदर रैम थोड़ी सी कम है। सेम वाईफाई कनेक्शन पे है दोनों भी, तो ये नहीं बोल सकता कोई कि भाई एक में ज्यादा फास्ट इंटरनेट चल रहा है, एक में स्लो चल रहा है, तो ये चीज आप लोग देख लो। बाकी बेंचमार्क है उसकी बात करूं तो 1.6 GBPS का रीड स्पीड है इसका, 1.2 GBPS है, तो डेफिनेटली जो UFS 3.1 स्टोरेज है इसका काफी फास्ट है भाई, नो डाउट। लेकिन इसका भी काफी फास्ट है, स्लो है iQOO का, तो ये भी चीज आप लोग देख लो। उसके बाद जब Geekbench का टेस्ट किया एंड यहां पर देखो सिंगल कोर में तो दोनों में सेम टू सेम स्कोर है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर देखो यहां पर iQOO का ज्यादा है भाई, क्रेजी चीज है। उसके बाद भाई मैंने N22 रन किया, N22 के अंदर भी जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो भाई, N22 के अंदर भी इसने ज्यादा स्कोर किया है iQOO ने। तो सोचो मतलब 1.5 लाख रुपए का फोन एंड एक 50,000 रुपए का फोन। मैं यहाँ पर क्लियरली सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के मैट्रिक पे बात कर रहा हूँ। इसके अंदर फोल्ड होता है और भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करता है ये फोन, मैं उस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी 15 मिनट तक के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया दोनों के अंदर एंड आप जैसे यहाँ पर स्कोर देख पा रहे हो तो ये 78% तक के थ्रॉटल किया है इसने, 81% तक के थ्रॉटल किया है, और जो एवरेज स्कोर है वो भी ज्यादा है, इसका एवरेज स्कोर भी कम है, बट दोनों लगभग 3 लाख के आसपास है जो कि बहुत क्रेजी स्कोर है। तो दोनों बहुत फास्ट है, दोनों में सेम चिपसेट है भाई, Snapdragon 8 Plus Gen 1, लेकिन उसके बावजूद भी जो iQOO है ऑन पेपर एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हमको देखने को मिल रहा है। भाई दोनों फोन जो है वो कंप्लीटली अपडेटेड है, बैकग्राउंड में एक भी एप्लीकेशन नहीं है, सेम वाईफाई से भी कनेक्टेड है, दोनों फोन भी कंप्लीटली अपडेटेड है जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, और दोनों फोन जो है गाइस उसके डिफॉल्ट मोड पे है, कोई बूस्ट मोड, कोई गेम मोड कुछ भी नहीं चालू है, तो ये चीज मैं आपको बता दूं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्पीड टेस्ट विद Instagram 3, 2, 1। ओके वाओ, बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर, कोई भी डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। फेसबुक अगेन वेरी सिमिलर, एम इंडिकेटर ओके, सेम टू सेम स्पीड, खाली एनिमेशन डिफरेंस था इसका, नीचे से आया इसका डायरेक्ट खुल गया। यूट्यूब ओके, फोल्ड यहां पर जीत गया भाई, नाइस। गूगल क्रोम ओके वाओ, सेम स्पीड ऑलमोस्ट। एप्पल इंडिया की वेबसाइट लोड करते हैं, ओके यहां पर फोल्ड जीता है फॉर श्योर। स्मूथनेस वगैरह दोनों की काफी जबरदस्त है भाई, हमें ना अभी मैकबुक एयर का बाय पेज ओपन करते हैं, मतलब मेन पेज ओपन करते हैं, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम स्पीड में थे, तो ऐसा कुछ डिफरेंस मेरे को यहाँ पर देखने को नहीं मिला भाई। YT म्यूजिक ओके, यहाँ पर फोल्ड जीता है हल्की सी मार्जिन से। प्राइम वीडियो ओके, बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर। कैलकुलेटर सेम स्पीड। ओला ओके, फोल्ड जीता है यहाँ पर अगेन ओके। ऊबर यहाँ पर जो ये है iQOO है वो जीता भाई। Amazon शॉपिंग एप्लीकेशन यहां पर भी iQOO जीता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। Flipkart बोथ आर वेरी सिमिलर। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लेट्स सी भाई, बड़ा गेम है भाई ये भी तो डेफिनेटली, और प्लस यहां पर बड़ी स्क्रीन भी है, तो ये चीज आप लोग देख लेना भाई। फोल्ड में पहले खुल गया, देखो ये आड़ा टेढ़ा हो गया यार, यही तो मसला है ये फोन का, ऑटो रोटेशन का बड़ा मसला है। न्यू स्टेट जो है पबजी का, लेट्स सी। वाओ यहाँ पर iQOO जीता है, iQOO मतलब क्रेजी है भाई। लेट्स मूव टू सबवे सर्फर्स ओके, बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर हियर। काइन मास्टर ओके, सो इसके अंदर iQOO के अंदर पहले खुला,
सो गाइस दोनों के अंदर मैंने एक फुटेज को इम्पोर्ट कर लिया है एंड DSLR की 1080p फुटेज है। दोनों को हम 0.5x स्लो डाउन करते हैं, दोनों को हम रेंडर करते हैं। 10 Mbps का बिटरेट भी है, जो फाइनल फाइल है वो 157 MB की है। सो सारी चीजें सेम टू सेम है। लेट्स सी भाई कौन जीतता है यहाँ पर। पहले मैं टाइमर ले आऊं। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, तो इधर IQ है, इधर सैमसंग है। ओके, वाओ भाई साहब, देख रहे हो रिजल्ट आप लोग, गाइस देख रहे हो। IQ ने मतलब क्या भयंकर तरीके से मचाया है। 18 सेकंड्स के अंदर IQ ने पूरा वीडियो रेंडरिंग टेस्ट फिनिश कर दिया। वेर एज जो सैमसंग है इसने 12 सेकंड एक्स्ट्रा लिया, 31 सेकंड्स लगा। भाई साहब सोचो, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा महंगा फोन है और सेम स्पीड पर रेंडर भी नहीं कर पा रहा, कितनी बड़ी बात है। सोचो कितनी बड़ी बात है। इस मामले में विनर अभी फिलहाल IQ ही है भाई, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन तो है, नो डाउट इन दैट। नाउ लेट्स सी द रैम मैनेजमेंट। यहाँ पर क्लियरली फोल्ड जीतना चाहिए बिकॉज इसके अंदर ज्यादा रैम है भाई। सो लेट्स सी। और सैमसंग है, ये तो दोनों में है। BGMI मतलब जो न्यू स्टेट है वो भी है दोनों में। कॉल ऑफ ड्यूटी ओके, ये भी है दोनों में। फ्लिपकार्ट भी है दोनों में। अमेज़ॉन भी है दोनों में। ऊबर भी है दोनों में। ओके ओ भाई ये क्या हुआ। ओला भी है दोनों में। कैलकुलेटर भी है दोनों में। प्राइम वीडियो इसके अंदर रीलोड हुआ IQ में, इसके अंदर अभी तक नहीं हुआ। YT म्यूज़िक भी नहीं हुआ, इसके अंदर YT म्यूज़िक भी रीलोड हुआ। उसके बाद क्रोम भी रीलोड हुआ इसमें क्रोम भी है अभी तक के। YouTube भी है इसमें, YouTube भी रीलोड हुआ। सो अभी तक के एक भी एप्लीकेशन रीलोड नहीं हुई है फोल्ड के अंदर। एम इंडिकेटर ओके, यहाँ पर भी ये भी रीलोड हुआ, ये भी यहाँ पर नहीं रीलोड हुआ था। Facebook दोनों में रीलोड हुआ यहाँ पर। उसके बाद Instagram, वाओ Instagram भी रीलोड नहीं हुआ। सो मोस्टली सारे एप्लीकेशन जो फोल्ड 4 है इसके अंदर रह गए हैं। एंड मिस टचेस आपने देखा, कहीं कहीं ऐसा हल्का फुल्का मिस टचेस हो जाते हैं क्योंकि बड़ा स्क्रीन है ना, कहीं हाथ लग जाता है। तो ये चीज तो आपको लेने के टाइम पे ध्यान में रखना होगा भाई, बड़ी स्क्रीन है तो ऐसा हैंडल करने के लिए, या तो फिर आप छोटी वाली स्क्रीन चला सकते हो बाहर वाली। सो ओवरऑल देखो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट में क्लियरली फोल्ड 4 जीतता है, लेकिन जो नॉर्मल टास्क है जैसे डे टू डे टास्क में आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं समझ में आएगा भाई। IQ बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब ऑलमोस्ट हर मामले सेम टू सेम परफॉर्मेंस देता है। बल्कि जब बड़ा टास्क करने की बारी आती है जैसे हैवी टास्क हो गया, वीडियो रेंडरिंग वगैरह, उसके अंदर IQ ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है। इवन अगर गेमिंग की बात करूं तो सैमसंग का फोन जो है परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। तो इस चीज की वजह से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि सिर्फ अगर रॉ परफॉर्मेंस की जहां बात आएगी वहां पर IQ इज द विनर, लेकिन जब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात आएगी तो वहां पर सैमसंग डेफिनेटली बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा बेटर है, लाइक कैमरे में ये रिचनेस वाला एक्सपीरियंस है और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है और अलग अलग चीजों में सैमसंग बेटर है। लेकिन जब रॉ परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहां पर IQ इज अ क्लियर विनर हियर। मतलब ऐसा नहीं है कि IQ भी खराब है या अच्छा है, तो दोनों भी काफी अपने अपने जगह पे काफी अच्छे हैं, ऐसा मैं डेफिनेटली बोलूंगा। लेकिन भाई क्लियर विनर इस स्पीड टेस्ट का IQ 90 ही है। वाह, ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस में हरा दिया, सोचो कितनी बड़ी बात है। सो गाइस जैसे आपने देखा ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, एंड नॉट टू माई सरप्राइज जो सैमसंग फोल्ड 4 है ये भाई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है। तो अगर आप गेम्स खेलते हो, बहुत ज्यादा हैवी गेम्स वगैरह आपको खेलना रहता है और बहुत टाइम तक के परफॉर्मेंस वाला कोई काम करना है तो फोल्ड 4 आपके लिए नहीं है। गेम्स वगैरह खेलना है तो IQ अगर आपके लिए ज्यादा बेटर फोन मेरे को ऐसा लगता है, और 1.5 लाख रुपए डाल के कोई गेम खेलने के लिए फोन लेता नहीं है, तो ये चीज आप लोग समझ लो। बाकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है डे टू डे टास्क में उसमें आपको कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आपने देख लिया काफी अच्छा है फोल्ड 4 भी, लेकिन भाई 50,000 रुपए का फोन ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट में, ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट से भी कम में अच्छा खासा टक्कर देता है भाई, जैसे आपने देख लिया। बाकी इतना ही था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।